अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने, जरा गौर से ज्यादा देख लें। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैम को ओपन कर लो क्योंकि पीएचपी माइस्कूल पे काम करेंगे हम। तो जैम हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, इसके कंट्रोल में जाके इसको ओपन कर दें। अच्छा, ये अपाची हम नॉर्मली पीएचपी पे काम करते हैं तो हमें इसको स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपने माइस्कूल को भी ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली उस जगह पे अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका आप काम करोगे। तो आपको पता है एचटी डॉक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने दिया क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, मतलब क्रड, जिसको हम लोग आम जुबान में क्या बोलते हैं, क्रड बोलते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर अपना वीएस कोड अपना ओपन करना है। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए वेल एंड गुड है। ओपन, यहां से मैंने कर दिया ओपन फोल्डर, ठीक है। एचटी डॉक्स के अंदर कौन सा फोल्डर बनाया था भाई हमने, क्रड का, ये आ गया। यहां से इस फोल्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहां से सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास फोल्डर पूरा वीएस कोड में ओपन हो गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, यहां पर आके एक फाइल ऐड करनी है, कौन सी, इंडेक्स डॉट पीएचपी, सही है। बूटस्ट्रैप में शामिल कर रहा हूं, बूटस्ट्रैप का मकसद मैं आपको बता देता हूं, बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या, क्योंकि इसके साथ साथ क्या हो जाएगी, बूटस्ट्रैप भी कवर हो जाएगी। बूटस्ट्रैप का बेसिकली मकसद ही क्या है कि आपकी वेबसाइट को इतना खूबसूरत बना देता है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप कोई भी घर बनाते हो तो सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, उसके बाद ब्लॉक खड़े होते हैं, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जब बात फिनिशिंग की आती है तो वो सबसे एंड में होता है ना भाई, इसी तरह बूटस्ट्रैप का भी हिसाब है। आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जब बना लेते हो उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस बनाते हैं, सीएसएस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा सीएसएस ना हो, हमारे कम सीएसएस के अंदर ही हमारे पास क्या बन जाए, एक वेबसाइट पूरी रेडी हो। तो ये बूटस्ट्रैप का मकसद है। बूटस्ट्रैप हमारे पास क्या, एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, कि बहुत सारी चीजें जब एक जगह इकट्ठी हो जाए तो क्या बन जाता है, एक फ्रेमवर्क बन जाता है, चाहे वो फंक्शन से रिलेटेड हो, क्लासेस से हो, मेथड से हो, कुछ भी हो। अच्छा, यहाँ पर आगे मैंने क्या करा, HTML 5 का मैंने स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। अब सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना सिखा देता हूँ, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किस तरह किया जाता है। आपने यहाँ पर लिखना है बूटस्ट्रैप 3.4.1। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा, यहाँ पर 3.4.1 आपके पास आ गया तो आपके पास ये लिंक आ रहा होगा, गेटिंग स्टार्टेड बूटस्ट्रैप, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर लोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, आपने इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, ये आपके पास डाउनलोड हो गए। अब इस फोल्डर को, इस फाइल को आपने क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर रखना है जिसमें आप काम कर रहे हो। तो आपने शो इन फोल्डर किया, उसको कंट्रोल एक्स करा आपने, एक्स करने के बाद आपने यहाँ पर आगे जो सी के अंदर जो आपका एचटी डॉक्स का वाला फोल्डर है जिसके अंदर क्रड वाला नाम का आपका फोल्डर, उसके अंदर आपने पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करके आपने उसको एक्सट्रैक्ट हेयर किया कि सारी फाइलें यहीं पर इसकी बना दो, उसके बाद ये बना दी तो हमें इसकी जरूरत नहीं, हमने डिलीट कर दिया। अब इस फोल्डर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फाइलें मौजूद है, सीएसएस की, फॉर्म की और जावास्क्रिप्ट की। आपने इन तीनों फोल्डर को उठाया, यहाँ पर बाहर रख दिया और आपने इसके बाद ये ऐड वाला फोल्डर भी डिलीट कर दिया। तो आप सारी जो चीजें अंदर सब फोल्डर बने हुए तो हमने क्या कर दिया, एक जगह पे इकट्ठे कर दिए, सही है भाई। CSS का जो फोल्डर होता है उसके अंदर वहां पे एक फाइल होती है bootstrap.css, ये रही वापस, ये देख रहे हो भाई, ये एक फाइल हमें लगानी पड़ती है क्योंकि इसके अंदर सारी CSS बनी बनाई रखी हुई है। हमने सिंपली इसमें क्या करना है, सारी क्लासेस को कॉल करके अपनी वेबसाइट का डिजाइन अच्छे से बनाना है। ये JS की फाइल है, अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्लिक होने पे, कोई भी परफॉर्मेंस अप्लाई हो, कोई भी इवेंट्स लगाना चाहते हो तो आप ये JavaScript की फाइल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास ये काम तो कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पर आके CSS के फोल्डर लगा दिए। जैसे हमने यहाँ पर लगाया तो हमारे पास ये फॉर्म के साइड में यहाँ पर भी फोल्डर जमा होगा।
अब सीएसएस के लिए हमने क्या करना होता है, अपने हेड सेक्शन के अंदर सबसे पहले सीएसएस की फाइल को लिंक करवाना है। तो लिंक करवाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और यहाँ एच रेफरेंस में आपने सीएसएस का आपने लिंक पास किया। सबसे पहले मैं एक काम ये कर देता हूँ, इसके इंटेलिजेंस जो है वो जरा थोड़ी सी एक्सटेंशन जो डाउनलोड कर लेता ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक एचटीएमएल का कर लेते हैं, ये कुछ एक्सटेंशन है ये आप डाउनलोड कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसके बाद पीएचपी का तो हमारे पास होया हुआ है, पीएचपी का भी नहीं हुआ हुआ। ये एक्सटेंशन है ये आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर जब वीएस कोड पे काम करोगे। इसका मकसद क्या होता है कि आपको पूरा पूरा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे आप छोटा सा कोड लिखोगे वो कोड पूरा बना के आपको दे देगा। ठीक है, बहुत सारी है, बहुत सारी जिस पे आप काम कर रहे हो उसके मुताबिक आप इंटेलिजेंस जो एक्सटेंशन होते हैं वो आप डाउनलोड कर लो उसके। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब एक दफा इसको क्लोज करके मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। CSS का फोल्डर है मेरे पास ये रहा, और CSS के फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल रखी है भाई, bootstrap.css। आपने इसका नाम लिया, उठा के यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया, कहाँ कर दिया भाई, इसके बराबर में, क्योंकि CSS के फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है, bootstrap.css। याद है भाई, अब आपने क्या करना है यहाँ पर आगे, क्या हो गया, ठीक है, डन है। यहां पर आपने सबसे पहले एक क्लास बनाई डॉट कंटेनर की। अब ये कंटेनर की डिप क्या कर रही होती है कि आपकी वेबसाइट को बिल्कुल सेंटर में रखेगी। तो मैंने यहां पर आके एक एच वन का हेडिंग लिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया भाई इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस टेबल, सही। अब इसका जरा आउटपुट चेक कर लेता हूं, मैं यहां पर आगे लिखूंगा लोकल होस्ट, पोर्ट मेरे पास कौन सी है भाई 80 मेरे पास पोर्ट है, तो मैंने यहाँ पर आगे लिखा भाई स्लैश, और मेरे पास फोल्डर का नाम है करड क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ठीक है भाई, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, अब देख लो मैंने CSS यूज करी तो उसका डिजाइन देख लो कितना किस तरह आ रहा है। अगर मैं ये CSS यूज ना करूं, इसको मैं कट कर देता हूं और उसको अब रिफ्रेश करूंगा, तो देखो अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा ना, देखो डिजाइन कैसा हो गया आपके पास। तो इसको सेंट्रलाइज करने के लिए हमें कंटेनर लगाना पड़ा, और उसके फॉर्म को अच्छा सा बनाने के लिए, उसका एक डिजाइन अच्छा सा बनाने के लिए हमने CSS यूज करी। इसको हमने दोबारा से इसको वैसे कर दिया। अच्छा, अब हमें करना यह है कि हमें अपना डेटा इंसर्ट करने के लिए एक फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है भाई, एक फॉर्म। तो फॉर्म आप लोग बना चुके हो जिसके जरिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, एक बटन होता है, ठीक है। तो आपने फॉर्म बनाना है, देखो किस तरह बनता है। सबसे पहले आपने एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर या आपने एक फॉर्म का टैग ओपन किया, फॉर्म का टैग ओपन किया, एक्शन कुछ भी नहीं दिया, मेथड आप क्या दोगे, पोस्ट मेथड दोगे। पोस्ट हम क्यों मेथड देते हैं भाई, बताया था मैंने, डेटा भेजने के लिए, और इसका जो भी हम डेटा हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो सेंड कर रहे होते हैं वो यूआरएल में शो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहां पर फॉर्म के बाद हमने यहां पर एक टेबल बनाया, टेबल के बाद हमने टीआर बनाई, उसके बाद हमने टीएच बनाई या टीडी बना लो, जिसके अंदर लिखा इंटर नेम। उसके बाद हमने एक और टीडी बनाई जिसके अंदर लिखा हुआ इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में मैंने पास कर दिया भाई टीएक्सटी नेम। क्लियर है भाई, अब यहां पर आके सबसे पहले मैंने कितनी फील्ड्स लेनी है वो मैंने कॉपी करी। सबसे पहले नेम होगा, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर और एड्रेस, ठीक है भाई। यहां पर मैंने चेंज कर दिया इंटर ईमेल,
इसका नाम मैंने रख दिया भाई टीएक्सटी ईमेल। ये मेरे पास है इंटर पासवर्ड, ये मैंने रख दिया भाई टीएक्सटी पासवर्ड। ये मैंने रख दिया क्या भाई जेंडर, इसको मैंने कर दिया भाई टीएक्सटी जेंडर। ये लास्ट वाला हो गया वहां पर एड्रेस, और इसको मैंने कर दिया टीएक्सटी एड्रेस। और यहां पर आके मैंने एक दे दिया एक बटन, सही है भाई, ये बटन दिया। इसमें यहां पर मैं टेक्स्ट हटा देता हूं, ठीक है, और इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह कर दूंगा इनपुट टाइप सबमिट। और यहां पर आके मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूं, नाम तो मिटा दूंगा, नाम तो देना जरूरी है, नेम मैंने दे दिया बीटीएन। और यहां पर आके मैंने इसकी वैल्यू दे दी इस बटन की सबमिट या सेव। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास देख रहे हो डिजाइन बना हुआ रही है। अभी डिजाइन अभी भी ना बताओ क्या है, सीएसएस तो अप्लाई हुई नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ और सीएसएस जो है वो इंक्लूड करवा सकते हो, जिससे आपका एक फॉर्म जो है अच्छे डिजाइन में बन के आ जाएगा। तो उसके लिए वहां पर एक क्लास होती है जो कि हम टेबल के अंदर बनाएंगे, क्लास टेबल, सही है भाई। देखो कैसा आ गया आपके पास डिजाइन, थोड़ा सा उसका डिजाइन ओपन हो गया। अब यहां पर आके जो टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं ना, इसको भी अच्छा सा बनाने के लिए आपने एक क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल की, जो कि आपने हर क्लास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देनी है। तो आपने क्लास दिया फॉर्म कंट्रोल, आपने एक क्लास को कॉपी किया, मजीद जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है वहां पर जाके इस टैग के अंदर, कोशिश ये करनी है टैग के अंदर काम करना, टैग से बाहर नहीं। ये यहां पर आगे पेस्ट कर दिया, आपने इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया। ये बता रहा हूँ किस तरह का डिजाइन है, अभी देखो जैसे अभी इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहां पर आगे देखो कैसा आगे डिजाइन। तो फॉर्म कंट्रोल से क्या हुआ, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स जो छोटा सा आ रहा था, जो एक स्टैटिक डिजाइन में आ रहा था, अब वो एक डायनेमिक तौर पे आपको नजर आ रहा है एक अच्छे फॉर्मेट के तौर पे, ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल क्या कर रहा होता है, आपके डिजाइन को एक अच्छे से टेक्स्ट बॉक्स में लेकर आ जाता है। अब हमारे पास ये बटन है ना, इस बटन की भी क्लास है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहां पर आगे करा एक क्लास ले ली बीटीएन, मैंने ले लिया भाई बीटीएन। एक काम करो डेंजर ले लो, डेंजर से क्या होगा हमारे बटन का जो कलर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा, हो गया भाई रेड कलर का। अब क्या करना है कि हमने अपने इस फॉर्म के अंदर जैसे मैं लिखूं, जैसे तला लिख दिया, और यहां पर आगे तला एट जीमेल जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, पासवर्ड 123, जेंडर में मैंने मेल लिख दिया, एड्रेस मैंने कुछ भी डाल दिया। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं ना यार, तो मेरे पास ये डेटा कहां उठ के चली जाए, पीएचपी लोकल होस्ट, पीएचपी माय एडमिन के अंदर, जहां मैं एक नया डेटाबेस बनाऊंगा और जितने मैंने कॉलम्स यहां दिए नेम ईमेल पासवर्ड जेंडर और एड्रेस, उतने ही कॉलम में वहां दूंगा, ताकि जब मैं डेटा यहां से इंसर्ट करूं तो उसी कॉलम में जाके वो डेटा स्टोर हो जाए, सही है। वो कैसे होगा सर देख लो, सबसे पहले यहां पर आके मैंने एक डेटाबेस बनाया और इस डेटाबेस का मैंने नाम दे दिया करंट क्रिएट रीड अपडेट डीबी, करंट डीबी के नाम से मैंने डेटाबेस बनाया, जिसके अंदर मैंने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया, एम्प्लॉय टीबी। अब इसके अंदर कॉलम कितने दे रहे हैं, अब यहां पर गिनो कितने कॉलम्स है, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए हमारे पास क्या होगी, एक आईडी भी होगी, तो वहां पर कितना होगा भाई, 6 होगा। तो आपने यहां पर आके देना है 6 और गो बटन पे आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने दी आईडी, उसके बाद दिया आपने नेम, उसके बाद आपने दिए ईमेल, उसके बाद आपने दे दिया पासवर्ड, उसके बाद आपने दे दिया जेंडर, उसके बाद आपने दे दिया भाई एड्रेस। आपने इनकी डेटा टाइप सेट कर दी वार 4, इसकी भी वार 4, इसकी भी वार 4, इसकी भी वार 4 कर दी, और इसकी भी वार 4। साथ साथ आपने इनका साइज भी दे दिया, इसको 50 दे दिया, इसको भी 50, इसको भी 50, इसको भी 50 दे दिया, और इसको भी 50 कर दिया। आईडी को मैं चाहता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, जैसे जैसे मेरे पास डेटा इंसर्ट होता रहे तो उसकी आईडी क्या होती रहे, ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे। आप इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कर दिया इसको सेव बटन पे क्लिक, तो आपके पास एक टेबल बन के आ गया, क्लियर है भाई। हमारा एक दूसरा स्टेप तो कंप्लीट हो गया, हमारे पर एक पहले में हमने डिजाइन बना लिया, दूसरे में अपने डेटाबेस और टेबल बना लिया। अब यहां पर आके हमने क्या करना है, पीएचपी की कोडिंग स्टार्ट करनी है। अब उस कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, अपने पीएचपी को कनेक्ट करना है किसके साथ, अपने इस डेटाबेस के साथ। अभी तो हम नॉर्मली काम कर रहे हैं ना, पर अभी जब तक वहां से कनेक्ट नहीं होगी तो यहां का डेटा वहां नहीं जाएगा।
अब वहां भेजने के लिए सबसे पहले आपने एक फाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम हम रख देते हैं कनेक्शन डॉट पीएचपी। सही है भाई। अब इस कनेक्शन डॉट पीएचपी के अंदर मैंने पीएचपी का सेंटेक्स लगाया और यहां पर आके एक वेरिएबल लिखा डॉलर कॉन इज इक्वल टू माय एसक्यूएलआई कनेक्ट। क्या लिखा भाई? कनेक्ट। अब ये कमांड क्या कह रही है कि ये कह रही है कि माय एसक्यूएलआई कनेक्ट एक ऐसी कमांड है जिसके अंदर हम चार आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। कितने आर्ग्यूमेंट पास करते हैं? चार आर्ग्यूमेंट। हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। पहला तो हमारे पास एक लोकल होस्ट होगा, दूसरा हमारे पास होता है यूजर नेम जो कि रूट है, तीसरा हमारे पास पासवर्ड होता है लेकिन अभी हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है तो हम उसको ब्लैंक रखेंगे, और चौथा हमारे पास होता है कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या है। देखो यहां पर आके सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में लिख दिया मैंने लोकल होस्ट, दूसरे आर्ग्यूमेंट में लिखा मैंने रूट यूजर नेम, तीसरे में मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है ब्लैंक छोड़ दिया, और चौथे में मेरे पास डेटाबेस का नाम क्या भाई? करंट डीबी। तो मैंने सी आर यू डी करंट डीबी ये लिख दिया भाई। अब आपके पास क्या करना है, इस वाली फाइल को, कनेक्शन वाली फाइल को इंक्लूड करवाना है आपको इस वाले पेज के अंदर, क्योंकि यहीं से डेटा भेजोगे ना भाई। तो आप टॉप पे आके सबसे पहले पीएचपी का सेंटेक्स स्टार्ट किया, और हमारे पास पीएचपी में एक लव है इंक्लूड नाम का। ये इंक्लूड क्या कर रहा होता है कि आपके दूसरे पेज को कनेक्ट कर रहा होता है आपके इस पेज के साथ। मैं कर रहा हूं कि इंक्लूड कर दो कनेक्शन नाम का जो पेज हमारे पास डॉट पीएचपी, उस वाले पेज को उठा के कौन से पेज के अंदर ले आओ, याले पेज के अंदर, और वो कनेक्शन का उठ के आ गया, यहाँ आ गया। अब देखो मैं जैसे ही वहां पर रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास भी कोई एरर नहीं आएगा। आ रहा है कोई एरर? अब एरर कब जाएगा? जब मैं यहां पर आके अपने डेटाबेस में से कोई बी हटा देता हूं। या मैंने क्या कर दिया, डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया। अब जैसे मैं यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास एरर क्या आ रहा है? वो कह रहा है कि आपके पास जो डेटाबेस है, जो आपने इसमें से बी हटाया, उस डेटाबेस बी के नाम से कोई अपना डेटाबेस मौजूद नहीं है। डेटाबेस किस नाम से मौजूद है भाई? डी बी के नाम से, करंट डीबी के नाम से। जैसे मैं इसको आगे रिफ्रेश करूंगा तो ये यहां से एरर हट जाएगा, क्योंकि प्रॉपर उसको डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो गई। कनेक्टिविटी होने के बाद हमने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे काम करना है। हमारे पास पांच टेक्स्ट बॉक्स हैं, हमने इन पांचों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को किसके अंदर रखना है? एक वेरिएबल के अंदर रखना है। ठीक है भाई, आओ देखो। पहले बॉक्स का नाम है टीएक्सटी नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर और एड्रेस, और यहाँ पर बटन का नाम है बीटीएन। हमने इस फॉर्म के बाद एक पीएचपी का सेंटेक्स स्टार्ट किया। हमने बोला कि भाई इफ इस सेट डॉलर पोस्ट, हमारे पास जो बटन है बीटीएन नाम का, जैसे ही उस पर क्लिक हो तो हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करें और उन टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को अपने वेरिएबल में स्टोर करवा दें। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आपने नेम नाम का वेरिएबल बनाया डॉलर पोस्ट, हमारे पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू का नाम क्या भाई? टीएक्सटी नेम। तो हमने यहां पर आगे टीएक्सटी नेम रख दिया। उसके बाद नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर और एड्रेस यहां पर मैंने लिख दिया भाई। ये हमारे पास क्या है? ईमेल है, ये हमारे पास पासवर्ड है, ये हमारे पास जेंडर है, और ये हमारे पास एड्रेस है। साथ साथ आपने क्या कर दिया, इसमें भी चेंज कर दिया, टीएक्सटी ईमेल, टीएक्सटी पासवर्ड, टीएक्सटी जेंडर और टीएक्सटी एड्रेस। क्लियर है भाई? हमारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अपने अपने वेरिएबल में चली गई। अब यहां पर आके आपने क्या करना है, क्यूरी चलानी है। सबसे पहले इंसर्ट की क्यूरी चलाना आ गई आप लोगों को। क्यूरी किस तरह चलेगी? आपने एक वेरिएबल लिया डॉलर क्यू के नाम से इज इक्वल टू माय एसक्यूएलआई क्यूरी। अब ये क्यूरी क्या कर रही होती है, एग्जीक्यूट करेगी आपकी क्यूरी को। आपकी क्यूरी को क्या करेगी? एग्जीक्यूट करेगी। आपने सबसे पहले इसके अंदर कनेक्शन पास करा, डॉलर कॉन नाम का आपने कनेक्शन पास करवाया था इस वाली फाइल के अंदर, ये रहा कनेक्शन के अंदर ये, क्योंकि आपने इंक्लूड करवाया यहां पर, तो डायरेक्टली आपके पास नाम उठ के आ जाएगा। फिर यहां क्यूरी चलानी है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या भाई? एम्प्लॉय टीबी है ना, एम्प्लॉय टीबी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टीबी। उसके बाद आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट में क्या देते थे, कॉलम्स के नेम देते थे, तो पहले कॉलम्स का नाम क्या है? नेम, ईमेल, पासवर्ड,
जेंडर पासवर्ड, जेंडर इसके बाद क्या है एड्रेस है, हो गया भाई। यहां पर आके आपने क्या करा, वैल्यूज लिखी, वैल्यूज के बाद आपने क्या करना है इनके अंदर ये चार पांचों वेरिएबल्स के नेम पास करवाने। क्यों पास करवाना है, क्योंकि हम जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डालेंगे वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, इस नेम नाम के अंदर स्टोर हो जाएगी, अपने अपने वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहां पर आगे चार पांच आर्ग्यूमेंट बना दिए और इन्हें सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया भाई डॉलर नेम, जिसके अंदर मैंने लिख दिया भाई डॉलर ईमेल, जिसके अंदर लिख दिया भाई डॉलर पासवर्ड, और उसके अंदर लिख दिया भाई डॉलर जेंडर, और लास्ट में लिख दिया डॉलर एड्रेस। क्लियर है भाई? हमारे पास एक क्यूरी चल गई इंसर्ट की। अब इस क्यूरी से आप लोग नजर आ रहा है कि आपने MySQL के अंदर क्यूरी चलाई थी इंसर्ट की। अब यहां पर आगे कंडीशन लगा के चेक कर सकते हो कि इफ हमारे पास डॉलर क्यू ग्रेटर देन है जीरो के। अब ये इसकी कंडीशन का मतलब क्या है कि ये जो पूरी की पूरी क्यूरी जो आपने बनाई है वो स्टोर किसके अंदर करी आपने, क्यू के अंदर। और यहाँ कंडीशन क्या लगा रहे हो कि डॉलर क्यू और ग्रेटर देन है जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि कोई भी वैल्यू अगर टेबल के अंदर गई, मतलब कोई भी वैल्यू ट्रू हुई, तो मैसेज प्रिंट होकर आ जाए कि डेटा हैज बीन सेंड। अगर आपकी क्यूरी इंसर्ट नहीं हुई तो लिखा हुआ आ जाए डेटा नॉट बीन सेव। तो कैसे करेंगे, यहां पर आके इको के अंदर आपने क्या करा, एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने लिखा अलर्ट, और यहां लिख दिया भाई डेटा सेव सक्सेसफुली, और एल्स पार्ट में लिख दिया आपने, इसी को कॉपी किया आपने और यहां पर क्या कर दिया पेस्ट कर दिया, और यहां लिख दिया डेटा नॉट बी डेटा नॉट सेव। सही भाई, क्लियर है? अब आ जाओ जरा इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम डेटा जा रहा है, इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने यहां पर आके भाई तलहा डाला, talha@gmail.com, यहां मैंने पासवर्ड डाल दिया 123, जेंडर में डाल दिया मेल, और एड्रेस लिख दिया भाई स्ट्रीट 101 कराची पाकिस्तान। जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा मेरे पास क्या लिखा हुआ है, डेटा से सक्सेसफुली। ओके जैसे ही क्लिक करा, और यहां पर मैं जैसे ब्राउज पे आऊंगा तो आपके पास देखो डेटा चले गया, डेटा इंसर्ट हो गया आपका। वरना आप नॉर्मली क्या कर रहे थे, यहां पर आके इस इंसर्ट में जाके क्या कर रहे थे, डेटा इंसर्ट कर रहे थे यहां पर भली। अब आपने क्या कर दिया, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लिया अपने इस MySQL के अंदर। अब जो भी डेटा आप यहां डालोगे, बटन पे क्लिक करोगे, वो डेटा कहां चले जाएगा, आपके इस टेबल के अंदर चले जाएगा। क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई सवाल? वीडियो स्टॉप करूं?